दोस्तों इसका पहले वाला एपिसोड जाकर जल्दी से देख लीजिए। पोटी बाद शोन वहाँ से भागने लगता है, इसके पीछे चंटू लग गया है। अरे ये क्या, अपना शोन तो गिर गया, अब तो चंटू इसको ज़ॉम्बी बना देगा। अरे ये क्या हो गया, तभी अपना शोन उठने लग जाता है, लेकिन अब शोन को गुस्सा आ रहा है। शोन फाइटिंग पोजिशन बना लेता है, उसके बाद शोन दे मारता है किक। अरे ये हुई ना बात, इसका तो सर घूम गया, तू इधर गिर जाता है, इसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अरे ये हुई ना बात, अपना पोटी बाद शोन तो अब बिल्कुल ठीक हो गया। अरे पोटी बाद शोन कहीं ड्रामे तो नहीं कर रहा था, इधर अपने शोन को काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ है। शोन चंटू की तरफ देख रहा होता है, उसके बाद इसको ये बेड पर लिटा देते हैं। बिल्ली भी बाहर आ जाता है और शोन इसके पास खड़ा हुआ होता है। मुझे लगता है चंटू अब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जो थोबड़े पर 8 नंबर का जूता पड़ा है, ये तो इसको हमेशा याद ही रहेगा। दोनों चंटू को देख रहे होते हैं कि अब ये होश में क्यों नहीं आ रहा। अरे इतना खतरनाक पोटी बाद शोन ने मारा है। तभी बुल्ली कहता है, अरे ये क्या कर दिया, कहीं तूने इसे मार तो नहीं दिया। अरे तूने ये गलत किया है, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे आराम से करता। तभी शोन कहता है, अरे ओ पागल, ये मुझे मार डालता या फिर मुझे ज़ॉम्बी बना देता, फिर मैं तुम्हें ज़ॉम्बी बना देता, फिर तुम्हारा क्या होता। अरे मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसको मारकर ठीक किया है। अरे ये मरा नहीं, बेहोश हुआ है, अभी ये होश में आ जाएगा। तभी ये इसकी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी ये दूसरी तरफ देखते हैं। अरे ये क्या हो गया, अरे ये तो अपना गुल्ली है जो कि इनकी तरफ आ रहा है, और इसके पीछे कुछ है। अरे ये तो बाबा है जिसको ये लोड कर यहाँ पर लेकर आ रहा है। अरे ये तो बाबा को अपने घर लेकर आया है। अरे अपने बाबा की ये जो कंडीशन है, इसको तो सिर्फ ऊपर वाला ही बचा सकता है, क्योंकि बाबा काफी ज्यादा जल चुके हैं, क्योंकि बाबा के ऊपर गोले दागे गए थे और वो टैंकर के थे, और टैंकर काफी ज्यादा खतरनाक था। बाबा की स्किन जलकर राख हो गई है और बाबा यहाँ पर काले हो गए हैं। तभी दोनों को बेड पर लिटाया जाता है, क्योंकि अपना चंटू भी बेहोश है और उसके अलावा अपना बाबा भी बेहोश है, इनको बेड पर लिटाया जाता है। अरे दो दो प्रॉब्लम एक साथ आ गई, अरे ये चूचू चाल तो काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी गुल्ली कहता है, अरे गुल्ली तुम पागल हो, अरे तूने बाबा को बचाया क्यों नहीं, ये बाबा के साथ क्या हो गया। तभी गुल्ली की ये बात सुनकर गुल्ली इसे कहता है, अरे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जब तक पहुँचा था बाबा की ये हालत हो चुकी थी। अरे किसी टैंकर वाले ने बाबा के ऊपर गोले दागे हैं और मैं उसे नहीं बचा सका, क्योंकि मैंने बाबा की स्क्रीन में ये देखा है, ये मुझसे पहले हो चुका था। तभी शोन कहता है, मेरा एक डॉक्टर दोस्त है जो कि टाइम मशीन बना रहा है, क्यों ना हम उसके पास चलें, वो मुझसे पैसे भी नहीं लेगा। अरे वो मेरा काफी ज्यादा अच्छा दोस्त है, अरे वो डॉक्टर लंबू है, वो काफी ज्यादा अच्छा है, वो हमेशा से मेरी मदद करता है। तभी शोन की बात सुनकर गुल्ली कहता है, अरे तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त है जो कि तुम्हारा बन गया, तुम्हारा तो दोस्त हमारे सिवा था ही कोई नहीं, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कोई दोस्त बन गया है। अरे ये कौन है डॉक्टर लंबू, अरे किस चक्करों में पड़ गए हो तुम। तभी शोन कहता है, अरे वो काफी ज्यादा अच्छा है, अरे वो गलत काम नहीं करता, अरे एक बार चलो तो सही, वो हमारी इस काम में जरूर मदद करेगा और वो पैसे भी नहीं लेगा तुमसे। अगर हमें बाबा को बचाना है तो हमें ये करना ही होगा, उस डॉक्टर के पास जाना होगा। तभी बुल्ली को थोड़ा सा यकीन आता है, तभी वो कहता है, गुल्ली तुम इसके साथ जाओ, मैं बाबा की यहाँ पर केयर करता हूँ, और तुम वापस लौट के ना आना जब तक कोई सलूशन ना निकल जाए, मैं यहाँ पर बाबा के पास हूँ। तभी गुल्ली कहता है, अच्छा ठीक है बुल्ली, तुम कहते हो तो मैं इसके साथ चला जाता हूँ, लेकिन बाबा की फुल केयर करना, बाबा को कुछ होने ना देना, और चंटू की भी केयर करना। अरे इसके ऊपर कोई पानी वाली डालो, हो सकता है इसको होश आ जाए। तभी ये दोनों जीप के ऊपर बैठ जाते हैं और अब ये डॉक्टर लंबू के पास जा रहे हैं। डॉक्टर लंबू इनकी कोई ना कोई मदद करेगा, क्योंकि पोटी बाद शोन का कहना है कि वो टाइम मशीन बना रहा है। दोस्तों अब आपको समझ आ ही गई होगी कि हम अपने बाबा को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि बाबा के काफी ज्यादा हालत खराब है। अभी हमारे पास एक ही तरीका बचा है, जो कि दोस्तों आप जानते हो, जिसके लिए जा रहे हैं। तभी ये उसके एरिया में पहुंच जाते हैं। दरअसल डॉक्टर लंबू एक सुनसान एरिया में रहता है ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, और वो काफी खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता है, जैसे मोटू पतलू में डॉक्टर झटका करता है। अरे ये उसी से इंस्पायर है, लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट खतरनाक ना हो जैसे डॉक्टर झटका के होते हैं। तभी ये वहां पर पहुंच जाते हैं। अरे ये लैब है या फिर पड़ा हुआ डब्बा, लेकिन हमें लैब नहीं देखनी, हमें उसका काम देखना है। तभी ये उसकी तरफ देखता है। शोन कहता है, ये रही मेरे दोस्त की लैब, अरे ये डॉक्टर काफी ज्यादा खतरनाक है और काफी ज्यादा पावरफुल है, अरे ये बाबा को बचा लेगा, अरे ये काफी ज्यादा अच्छा भी है, नेक दिल है, ये किसी को कुछ भी नहीं कहता। तभी गुल्ली कहता है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चलो अंदर चलते हैं और तुम्हारे डॉक्टर लंबू से मिलते हैं, और मैं भी तो देखूं तुम्हारा डॉक्टर लंबू कैसा है। तभी ये दोनों अंदर जाने लगते हैं इस लैब के अंदर। अरे ये लैब कम और मेटल का बॉक्स ज्यादा लग रहा है। तभी ये दरवाजा खोलते हैं और फिर इस लैब के अंदर जाने लगते हैं।
अरे वो सामने खड़ा डॉक्टर लंबू जो के मुझे तो नजर आ गया है। दोस्तों क्या आपको नजर आया है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, क्योंकि अभी तो वैसे भी वो नजर आने वाला है। तभी शोन इसके पास आ जाता है। शोन डॉक्टर लंबू की तरफ देखने लगता है। अरे लंबू कहाँ गया? अरे डॉक्टर लंबू तो अपना काम कर रहा है और इसकी लैब तो काफी ज्यादा मजे की है। अरे जैसा मैं सोच रहा था। अरे वैसे तो नहीं है, अंदर से तो ये काफी ज्यादा मजे की है। तभी डॉक्टर लंबू पोटीबाज शोन की तरफ देखने लग जाता है और शोन भी डॉक्टर लंबू की तरफ देख रहा था। तभी डॉक्टर लंबू इससे पूछता है, अरे शोन मेरे छोटे दोस्त, यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो भी इस टाइम और बगैर बताए मुझे आ गए हो? अरे तुम्हें पता नहीं है ये एरिया कितना ज्यादा खतरनाक है। तभी शोन इसे बताता है, अरे मेरे भाई मेरे पास आओ, अरे तुमसे एक खास बात करनी है, जरा मेरे करीब तो आओ। अरे इतना दूर ना खड़े हो जाओ, मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी डॉक्टर लंबू इसके पास आने लगता है। करे आखिरकार इतनी रात में क्या हो गया कि ये मेरे पास आ गया और मुझे अपने पास भी बुला रहा है? तभी डॉक्टर लंबू इसके पास आ जाता है और पोटीबाज शोन इसकी तरफ देखने लगता है। गुल्ली भी देखने लग जाता है। तभी ये कहता है, अरे हमारे बाबा को किसी ने मार दिया है। अरे सॉरी सॉरी, अरे उन्हें मारा नहीं गया बल्कि वो मौत के मुंह में है। बस मैं अपने बाबा को बचाना चाहता हूँ और मैंने सुना है कि तुम टाइम मशीन बना रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम मेरे कुछ काम आ पाओ। तभी इसकी बात सुनकर डॉक्टर लंबू कहता है, अरे वो टाइम मशीन अभी मैंने किसी के ऊपर ट्राई नहीं की। अरे वो टाइम मशीन खतरनाक हो सकती है। अरे मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और बड़ी मुसीबत में फंसो, क्योंकि वो टाइम मशीन अभी तक फुल कंप्लीट नहीं हुई और जब तक वो फुल कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं किसी को घुसने नहीं दूंगा। तभी गुल्ली कहता है, अरे प्लीज हमारे साथ चलो, हम अपने रिस्क पर उसमें बैठेंगे और बाबा को बचा कर आएंगे। अरे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चलो बाहर चलते हैं। तभी डॉक्टर लंबू इनको बाहर लेकर जाने लगता है। अरे शुक्र है डॉक्टर लंबू मान गया और इन्हें अपनी टाइम मशीन के पास लेकर जा रहा है, लेकिन टाइम मशीन में जाना थोड़ा सा खतरा हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर लंबू का कहना है कि वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई और जब तक वो मुकम्मल नहीं होती तब तक उसमें कोई नहीं बैठ सकता। लेकिन ये ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बाबा की जान खतरे में है, बाबा को वापस टाइम में जाकर बचाना होगा और जो बाबा के साथ हुआ उसको टालना होगा, क्योंकि ऐसे ही बाबा को बचा सकते हैं, क्योंकि बाबा की बॉडी जलकर राख हो गई है। अरे ये रही टाइम मशीन जो कि डॉक्टर लंबू बना रहा है। अरे ये टाइम मशीन तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और काफी ज्यादा प्यारी भी है। डॉक्टर लंबू इसके पास आकर इसको देखने लग जाता है, लेकिन अब शोन और गुल्ली रिस्क लेंगे और इसमें बैठेंगे और फिर बाबा को बचा कर आएंगे। तभी डॉक्टर लंबू कहता है, अरे इसमें मैं किसी को नहीं बैठने देता, लेकिन तुम्हारी मजबूरी है इसलिए मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम इसमें जाकर अपने बाबा को बचा लो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें सही सलामत वापस भी ले आऊं और सही सलामत बाबा को बचाकर भी वापस हम ले आएंगे। अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है अगर आप बाबा की हेल्प करना चाहते हैं। तो ये रही टाइम मशीन जिसमें गुल्ली और बुल्ली बैठेंगे और फिर बाबा को बचाने जाएंगे। तो दोस्तों क्या होगा, क्या बाबा बच पाएंगे, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।